7 अक्टूबर को वो काला दिन था जब हमास के लड़ाकों ने इसराइल के साथ नई जंग को खुद न्योता दिया था। इसराइल में घुसपैठ कर हमास के लड़ाकों ने दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी थी। पैराग्लाइडर्स के सहारे इसराइल में घुसे हमास आतंकियों ने कई इजरायली महिलाओं, बच्चों, युवकों को बंधक बना लिया था। बंधक बनाए गए लोगों के साथ हमास आतंकियों ने बर्बरता की सभी सीमाएं लांघ दी थी। निहत्थे आम लोगों पर गोलियां बरसाई गई, रॉकेट दागे गए। एक म्यूजिक फेस्टिवल में देखते ही देखते शवों के ढेर लग गए, जिसके बाद से ही इसराइल ने हमास से बदला लेने की ठान ली थी। हवाई हमलों के बाद इसराइल अब जमीन पर भी जंग छेड़ना चाहता है। इसराइली सेना ने गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है, हालांकि सेना को अभी ग्राउंड ऑपरेशन की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन हमास का खात्मा करना भी इसराइल के लिए जरूरी है। ऐसे में इजरायली ग्राउंड फोर्स ने हमास के खात्मे के लिए उत्तरी गाजा पट्टी में घुसकर हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजरायली सेना अपने इस एक्शन के बाद तुरंत अपनी सीमा में लौट आई है। इजरायली सेना ने इस कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे इजरायली सैनिक बख्तरबंद वाहनों से गाजा सीमा में घुसे और हमास के कई ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इनमें एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल थी। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि यह घुसपैठ लड़ाई के अगले चरण की तैयारी के लिए की गई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि इजरायल की सेना की गाजा में घुसपैठ आखिर किस ओर इशारा कर रही है? क्या इजरायल हमास के बीच बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है?